हेलो क्लास सेकेंड स्टूडेंट्स, आज की इंग्लिश फर्स्ट की क्लास में हम पढ़ेंगे लेसन 13, ग्रैंडमास डे आउट। ठीक है, लेसन का नेम है, लास्ट लेसन है ये आपका। ये आपको पेज नंबर 99 पर दिया है। उसके पहले एक छोटी सी एक्सरसाइज है, कंप्लीट दिस फैमिली ट्री बाय पेस्टिंग पिक्चर्स ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स। इधर आपको अपने फैमिली मेम्बर्स की पिक्चर्स लगानी है इधर, ठीक है, गम की मदद से उसको चिपकाना है। ठीक है, जहाँ पे जो लिखा है, जैसे ग्रैंडफादर के इधर ग्रैंड मदर, ठीक है, ये सब। ये देखिए, इधर टू टाइम्स लिखा है, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर, मतलब फादर के ग्रैंडफादर और फादर के ग्रैंड मदर, और इधर मदर के ग्रैंडफादर और मदर की ग्रैंड मदर। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम स्टोरी पर, जो कि आपको पेज नंबर 100 पर दी हुई है। नैना एंड रोहन हैड नो आइडिया व्हाट टू डू फॉर देयर ग्रैंड पेरेंट्स ऑन ग्रैंड पेरेंट्स डे। नैना और रोहन को कोई आइडिया नहीं था कि क्या करना चाहिए ग्रैंड पेरेंट्स डे पर अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए। ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादा दादी। ठीक है, लेट्स आस्क ग्रैंडपा, सेड रोहन। चलो ग्रैंडपा से पूछते हैं, ग्रैंडफादर, ग्रैंडपा यानी ग्रैंडफादर। रोहन ने बोला कि चलो ग्रैंडफादर से पूछते हैं। देयर मदर सेड इट इज़ ए गुड आइडिया, इट इज़ देयर स्पेशल डे, सो यू शुड डू समथिंग दे वुड एंजॉय। उनकी मदर ने कहा कि ये बहुत अच्छा आइडिया है, ये उनका स्पेशल दिन है, ख़ास दिन है, तो तुम लोगों को ऐसा कुछ करना चाहिए कि वो एंजॉय करें। नैना कॉल्ड अप ग्रैंडपा, सी आस्क्ड हिम टू थिंक ऑफ अ प्लेस दे वुड लाइक टू गो। नैना ने ग्रैंडपा को कॉल किया और बोला कि वो कोई एक प्लेस, कोई एक जगह ऐसी बताएं जहाँ पर वो जाना पसंद करेंगे। ग्रैंडपा सेड, आई एम सॉरी, आई कैन नॉट कम विथ यू एज आई हैव ए बैड कोल्ड। ग्रैंडमा वुड लव टू गो विथ यू। तो ग्रैंडपा बोलते हैं कि मैं तुम लोगों के साथ नहीं आ सकता, मुझे बहुत कोल्ड है, मुझे बहुत जुखाम हुआ है, लेकिन ग्रैंडमा तुम लोगों के साथ जाना बहुत पसंद करेंगी। द नेक्स्ट डे द चिल्ड्रन वेंट विद देयर मदर टू मीट देयर ग्रैंड पेरेंट्स। तो जो बच्चे हैं नैना और रोहन, वो अपनी मदर के साथ ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने जाते हैं। दे ऑल्सो टुक द केक दे हैड बेक्ड विद द हेल्प ऑफ देयर मदर फॉर देयर ग्रैंड पेरेंट्स। और वो अपने साथ केक भी ले जाते हैं जो कि उन्होंने बनाया था अपनी मदर की हेल्प से अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए। ग्रैंडमा एंड ग्रैंडपा कट द केक टुगेदर एंड वर वेरी हैप्पी टू सेलिब्रेट देयर स्पेशल डे। और ग्रैंडमा और ग्रैंडपा ने वो केक साथ में कट किया और बहुत खुश थे अपना स्पेशल डे सेलिब्रेट करने के लिए। After cutting the cake, Rohan asked Grandma, "So where should we go?" Cake कट होने के बाद रोहन ने ग्रैंडमा से पूछा कि हमें कहाँ जाना चाहिए, कहाँ चले हम। Let's go to the amusement park, she said. She had a twinkle in her eyes. आँखों में एक चमक के साथ उन्होंने कहा कि चलो amusement park चलते हैं। That is wonderful, replied the children happily. तो बच्चों ने जवाब दिया, रिप्लाई किया, ये बहुत अच्छा है। नैना एंड रोहन हैड बीन वांटिंग टू गो देयर बट देयर पेरेंट्स हैड नॉट बीन एबल टू टेक देम। नैना और रोहन वहाँ जाना चाहते थे लेकिन उनके पेरेंट्स वहाँ उनको नहीं ले जा सके, पेरेंट्स यानी माता पिता नहीं ले जा पा रहे थे। नाउ ग्रैंडमा वांटेड देम टू टेक हर। अब जो ग्रैंडमा है उनकी, वो ले जाना चाहती है उनको वहाँ पर। एट द पार्क देयर मदर बॉट टिकट्स एंड देन सी लेफ्ट। और पार्क में पहुंचने पर, अम्यूज़मेंट पार्क में पहुंचने पर उनकी जो मदर थी रोहन और नैना की, उन्होंने टिकट खरीद दिया और फिर वो चली गई। एज दे एंटर्ड द पार्क ग्रैंडमा बॉट आइसक्रीम एंड सैंडविच। और जैसे ही वो पार्क में गए, ग्रैंडमा ने आइसक्रीम और सैंडविच खरीद लिए। लेट्स गो ऑन द राइड्स ग्रैंडमा सेड। तो ग्रैंडमा बोलती है चलो राइड्स पर चलते हैं, राइड्स यानी झूलों पर। द चिल्ड्रन लुक्ड एट हर इन सरप्राइज। बच्चे उन ग्रैंडमा की तरफ सरप्राइज में देखने लगे कि अरे ग्रैंडमा भी झूला झूलना चाहती हैं। ग्रैंडमा यू वांट टू गो ऑन द राइड्स, आस्क नैना। तो नैना ने पूछा ग्रैंडमा आप राइड्स झूलों पर सच में जाना चाहती हैं। तो ग्रैंडमा ने कहा ऑफ कोर्स। ग्रैंडमा होप्ड ऑन अ हॉर्स ऑन द मैरी गो राउंड। और ग्रैंडमा हॉर्स पर उछल कूद कर रही थी, मैरी गो राउंड झूले का नाम है उसमें जो हॉर्स था उस पर। ठीक है, दे ऑल हेल्ड देयर स्विंग्स टाइटली। उन्होंने अपने झूले टाइटली पकड़े हुए थे। देन दे वेंट टू द राइड द कैटरपिलर रोलर कोस्टर एंड द मिनी ट्रेन। और फिर उन लोगों ने राइड किया कैटरपिलर रोलर कोस्टर और मिनी ट्रेन।
ग्रैंडमा आस्क्ड द चिल्ड्रन इफ दे वुड टेक हर टू द पॉन्ड टू सी द डक्स, और फिर ग्रैंडमा ने बच्चों से कहा कि क्या वो उनको ले जा सकते हैं पॉन्ड्स की तरफ, पॉन्ड यानी तालाब की तरफ डक्स देखने के लिए। दे ऑल वेंट टू सी द डक्स एंड फीड देम ब्रेड, फिर वो सभी डक्स को देखने गए और उन्होंने डक्स को ब्रेड खिलाई। नाउ लेट अस ईट भेलपुरी सेड ग्रैंडमा टू नैना एंड रोहन, फिर ग्रैंडमा ने कहा चलो अब हम लोग भेलपुरी खाते हैं, रोहन और नैना से कहा ग्रैंडमा ने। सी बॉट भेलपुरी पॉपकॉर्न एंड जूस फॉर ऑल, उन्होंने भेलपुरी पॉपकॉर्न और जूस खरीदा सभी के लिए। आफ्टर ए फ्यू आवर्स द चिल्ड्रंस मदर केम टू पिक देम अप, कुछ घंटों के बाद जो बच्चों की माँ थी वो आए उनको लेने के लिए। हाउ वाज ग्रैंड पेरेंट डे, सी आस्ट, और उन्होंने उसकी मदर जो थी उन्होंने पूछा कि कैसा रहा ग्रैंड पेरेंट्स डे। इट वाज द बेस्ट डे एवर, रिप्लाइड ग्रैंडमा विद अ स्माइल, तो ग्रैंडमा ने एक स्माइल के साथ बोला ये बेस्ट डे था। आई स्पेंट द मोस्ट वंडरफुल टाइम विथ माई ग्रैंड चिल्ड्रन, और मैंने अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ बहुत ही अच्छा समय बिताया। ग्रैंडपा विल बी सॉरी दैट ही मिस्ड इट, ग्रैंडपा को इस बात के लिए दुख है कि वो नहीं आ पाए। थैंक यू चिल्ड्रन फॉर टेकिंग मी टू द अम्यूजमेंट पार्क, बच्चों को वो शुक्रिया करती है अम्यूजमेंट पार्क लाने के लिए। यू आर वेलकम ग्रैंडमा, दे रिप्लाइड, उन्होंने ग्रैंडमा से कहा यू आर वेलकम, वी फाइनली विजिट द पार्क, वी रियली वॉन्टेड टू गो, वी आर ग्लैड यू एन्जॉयड इट, और बच्चों ने कहा कि हमें खुशी है कि हम आपके साथ यहाँ पर आए, और यहाँ पर हम कई दिन पहले से भी आना चाहते थे बट उनके पेरेंट्स जो है उनको नहीं ले जा पा रहे थे। विथ अ स्माइल ग्रैंडमा विंक्ड एट द चिल्ड्रंस मदर, ठीक है। तो ये था हमारा लेसन, ग्रैंडमास डे आउट लास्ट लेसन था, इसकी समरी आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी, और आप लोग इस लेसन को दोबारा से रीड करिएगा। तो आज की क्लास में इतना ही।